गाइस कभी आपने ओपन वर्ल्ड गेम्स खेले हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मैसिव वर्ल्ड्स रहता है एंड जहाँ पर भी आप जाए वहाँ पर एक नया एरिया जो है वो अनलॉक करने को मिलता है। तो एक्चुअल में ये मैसिव वर्ल्ड्स है ये बनते कैसे गाइस, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं GTA 5 या फिर आप ले सकते हैं पबजी। तो ये जो वर्ल्ड है जो भी माउंटेंस है, ट्रीज है, ग्रास है या फिर कोई भी एक बिल्डिंग का मॉडल है, ये सब कैसे प्लेस करते हैं ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे गाइस। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर मेरे चैनल पर सिखाते हैं कि कैसे हम एक गेम बना सकते हैं फॉर PC, मोबाइल, फॉर एनी प्लेटफॉर्म, PlayStation 5, एनीथिंग गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक राइट क्लिक करना है, एक एम्प्टी सीन लेना है। ओके, सो एम्प्टी सीन लेने के बाद में यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर जो 3D ऑब्जेक्ट है 3D ऑब्जेक्ट में टेरेन सिलेक्ट कीजिए। ओके, तो टेरेन यहाँ पर आ जाता है, आप इसको कुछ भी नेम दे सकते हैं। ये देखिए इतना बड़ा एरिया आ जाता है, बहुत ही बड़ा एरिया है ये। आपको यहाँ पर छोटा लग रहा होगा लेकिन ये 100 by 100 meters मतलब लिटरली 1 kilometer का है। ओके, तो यहाँ पर टेरेन नाम रहने दीजिए इसको। ओके, एंड यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर सेटिंग्स में जाइए एंड सेटिंग्स में जाके ये जो फेड लेंथ है ये थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, 124 वगैरह 125, क्योंकि जितना हम दूर जाएंगे उतना वो डिसेबल या फिर डिसअपियर होता रहेगा, तो हमें ये नहीं चाहिए ऐसा। ओके, सो हम बस ऐसे ही थोड़ा सा जूम इन करते। ये देखिए गाइस, ये एक स्क्वायर इसमें दिख रहा है ना, वो 1 by 1 का है। तो ऐसे कितने स्क्वायर से ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1000 by 1000 है। तो हम यहाँ पर 1000 by 1000 ही रहने देते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, 1000 by 1000 यहाँ पर है। टेरेन हाइट है 600 जो कि थोड़ा सा ऊपर रहेगा टेरेन। ओके, सो ये डिटेल रेजोल्यूशन ये सब बाकी का वैसे रहने दीजिए। तो सबसे पहला टूल आता है गाइज यहाँ पर, रेज एंड लोअर टेरेन। ओके, सो ये जो सेकंड ऑप्शन है ब्रश जैसा, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। रेज एंड लोअर टेरेन आपको सिलेक्ट करना है एंड ये कैसा आपको चाहिए, जैसे कि एक माउंटेन आप बना रहे हैं ऐसा आप सोच लो, तो जैसा आपको चाहिए वो यहाँ पर सेट कीजिए। ब्रश साइज जो है थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, ये देखिए, और बस मैं क्लिक कर रहा हूँ। ओके, टेरेन पर सिलेक्ट ही कीजिए, टेरेन के बाहर कहीं पर भी क्लिक मत कीजिए। तो आप जैसे ही देख सकते हैं ये ऊपर आते जा रहे हैं। ओके, ये देखिए मैं थोड़ा सा क्लोज आता हूँ मतलब आपको दिखाई देगा। ओके, तो ये एक माउंटेन जो है वो रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं एक माउंटेन बहुत ही सही है ये माउंटेन। एंड यहाँ पर शायद एक मिनट, मैं बस यहाँ पर एक फॉग शायद चालू है। रेंडरिंग में लाइटिंग में जाइए एंड यहाँ पर जो फॉग है एनवायरनमेंट को सेट कीजिए। पहले सीन पर रहता है एनवायरनमेंट एंड फॉग डिसेबल कर दीजिए, यानी कि आप देख सकते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पर। ओके, सो टेरेन में गाइज इंस्पेक्टर में जाइए, यहाँ पर आप जैसा चाहे वैसा सेट कर सकते हैं। ओके, तो ये मैं सेट कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर भी आ गया माउंटेन। जैसे आपको माउंटेन्स वगैरह चाहिए आप सब कुछ सेट कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे हैं। और गाइज यहाँ पर अगर आपको ये नहीं चाहिए तो शिफ्ट दबाइए एंड उसके ऊपर ही क्लिक कीजिए, तो ये फिर से नीचे चला जाएगा। ओके, शिफ्ट पर ये ऐसे होता है, आपको बहुत सारे इसमें शॉर्टकट्स मिलेंगे। सो शिफ्ट और ई या आर, इससे बहुत कुछ रोटेट वगैरह होता है लेकिन आप ऐसे ही कर सकते हैं। ओके, तो ये वाला यहाँ पर लगा दीजिए। ओके, यहाँ पर आप माउंटेन लगा सकते हैं या फिर ये वाला आप टेक्सचर नॉइज ले लीजिए। और यहाँ पर गाइज थोड़ा सा स्मूथ आउट हो जाएगा अगर ये देखिए, ये अगर ग्रो होगा तो ऐसे होता है। ओके, सो बहुत कुछ कर सकते हैं इसके साथ में। ये माउंटेन जो है वो रेडी हो चुका है और अगर हमें इसे टेक्सचर देना है अच्छा वाला, तो यहाँ पर ग्रास जो है, ग्रास का टेक्सचर मैंने यहाँ पर ले लिया है, आप डायरेक्टली यहाँ से ले सकते हैं गाइस। फ्लावर पैक है, मैंने फ्लावर्स भी ले लिए इसके अंदर एंड ग्रास का टेक्सचर आप डायरेक्टली यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, ग्रास यूनिटी एसेट स्टोर ग्रास या फिर ग्राउंड टेक्सचर, और यहाँ पर बहुत सारे ग्राउंड के टेक्सचर आ जाएंगे, आप कोई भी उठा सकते हैं इसमें। ओके, तो ये वाला मैंने उठाया, अभी ये अप्लाई कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। सो टेरेन में जाइए सबसे पहले एंड उसके बाद में यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है, ओके, पेंट ट्रीज नहीं, थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन, ओके, यहाँ पर एड ग्रास। ओके, सो पेंट टेक्सचर्स यहाँ पर है सेकंड ऑप्शन में ही है, जहाँ पर रेज एंड लोअर टेरेन है वहाँ पर पेंट टेक्सचर्स है। ओके, सो पेंट टेक्सचर्स लेता हूँ मैं एंड इसके ऊपर एडिट टेरेन लेयर आता है यहाँ पर। ओके, तो इस पर क्लिक करके क्रिएट लेयर करता हूँ और लेयर हमको लेना है ये वाला ग्रास का,
ओके, तो ग्रास डॉट बैक, सो डबल सिलेक्ट, ये देखिए गाइस पूरा ग्रास का हो चुका है। और अगर आप इसका एक क्लोजअप लेते हैं, ओके, सो क्लोजअप में आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा ग्रास ही है हमारा ये। ओके ओके, तो आप देख सकते हैं ये पूरा ग्रास है, आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन यहाँ पर गाइस पूरा ग्रास है और ये ऐसे ही रहेगा, और जो कि बहुत ही ज़्यादा सही है, आप देख सकते हैं। ओके, तो हमारा ये ग्रास भी बन चुका है, माउंटेन्स भी आ चुके हैं, तो मैं यहाँ पर एक और लेयर क्रिएट करता हूँ जिससे हमें एक रोड क्रिएट करना है। ओके गाइस, तो मैं ये एंगल मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है। ओके, सो बैकग्राउंड के लिए तो यहाँ पर मैं एक रोड भी क्रिएट करूँगा। अभी रोड कैसे क्रिएट करना है, यहाँ पर टेरेन पे जाइए, यहाँ पर एडिट टेरेन लेयर्स पे जाइए एंड क्रिएट अनदर लेयर। और जहाँ पर मैंने ये भी एक टेक्सचर है वो मिल चुका था मुझे, ये भी मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए ये वाला ऐसा टेक्सचर, यहाँ पर आपको गूगल पे सब कुछ मिल जाएगा गाइस। ओके, सो इस पर जाइए। ओके, तो इसे हम पेंट टेक्सचर में पेंट करेंगे। अभी पेंट कैसे करना है ये गाइस, मैं ये वाला ले लेता हूँ एंड जो छोटा वाला है सब ब्रश का साइज ओपेसिटी भी कम कर देता हूँ एंड ब्रश का साइज भी छोटा कर देता हूँ। ओके ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं पेंट कर रहा हूँ तो यहाँ पर पेंट आ रहा है। ओके, एकदम नाइसली एंड ईजिली यहाँ पर पेंट होता जा रहा है। तो मैं यहाँ पर एक रोड बनाऊंगा। ओके, अभी पता नहीं है कैसे बनेगा। ओके, यहाँ से एक रोड आएगा, नाइस, ओके ऑसम। तो यहाँ पर बन चुका है एक रोड, मैं ऐसे ही बाइज ये आगे लेके जाता हूँ और यहाँ पर एक रोड आ गया। ओके, आप इसकी ओपेसिटी वगैरह सब कुछ कर सकते हैं इसके अंदर, तो ये रोड यहाँ पर आ चुका है, ग्रेट। तो देखिए गाइज ये ऐसा दिखेगा। अभी सबसे मेन आता है ट्रीज। ओके, तो ट्रीज सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए एंड इसके ऊपर जो थर्ड ऑप्शन है वो सेट कीजिए, पेंट ट्रीज आता है और नो ट्रीज डिफाइंड यहाँ पर आएगा सबसे पहले। तो आपको कुछ ट्रीज हैं जो यहाँ से आपको उठाने पड़ेंगे एक। ओके, सो ग्रास फ्लावर पैक जैसा है वैसे ट्रीज का भी आएगा गाइज। तो यहाँ पर आप सर्च कीजिए ट्रीज, यहाँ पर ट्रीज के बहुत सारे आ जाएंगे, उसमें से मैंने कौन सा उठाया मैं आपको दिखा देता हूँ। रियलिस्टिक ट्री रेनबो, ये वाला उठाया शायद, या फिर ये वाला उठाया, कोई भी उठा सकते हैं आप एंड डाउनलोड कीजिए, गेम के अंदर लाइए एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला है लैक्सर ट्री पीकेची, यहाँ पर आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। ओके, सो टेरन को सिलेक्ट कीजिए, मैं मोबाइल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर एनहांस्ड है। ओके, सो ट्रीज एंड ऐड ट्री करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर ट्रीज के लिए गेम ऑब्जेक्ट मांगता है तो यहाँ पर गेम ऑब्जेक्ट में डाल रहा हूँ एंड उसके बाद में मैं ऐड करूँगा। ओके, तो यहाँ पर जो है ट्री का आ जाता है, ऐसे ही मैं तीनों ट्रीज जो है वो ऐड कर देता हूँ फटाक से। और गाइज जो आपको दिखेगा ना बहुत सही दिखेगा, ये तीनों ट्रीज आ चुके हैं, अभी बस इसको लेना है और क्लिक करना है। ये देखिए ट्रीज जो है वो बनते रहेंगे। ओके, और वो जो फेड का था ऑप्शन सबसे पहले, ये देखिए मैं जितना दूर जाऊंगा उतना वो फेड होता रहेगा, इसलिए सेटिंग्स में जाइए, ये जो फेड है ये बढ़ाइए। ओके, तो आपको दूर तक का भी दिखेगा। ओके, तो ये जो ट्री है, ओके, तो यहाँ पर ये जो ट्री है गाइस ये हमने क्यों लिया है, यहाँ पर ट्रीज का डेंसिटी हम सेट कर सकते हैं कितना आना चाहिए एक क्लिक में। ये देखिए दो आने लगे अभी अभी, अगर मैं इसको और भी ज़्यादा 99 कर देता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज आ जाएंगे। ओके, तो इतना तो नहीं करना है हमको, तो ये परफेक्ट है। ओके, ट्री की हाइट जो है वो रैंडम आनी चाहिए, ग्रेट, ट्री की हाइट भी रैंडम आ रही है। और यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रीज है, हम सभी ट्रीज यहाँ पर लगा सकते हैं। ओके, ये देखिए इतने सारे ट्रीज मैंने लगा कर रख भी दिए, तो आप अपनी कलाकारी दिखाइए यहाँ पर। ये देखिए ये भी ट्रीज मैं लगा देता हूँ तो बहुत सारे ट्रीज आ जाएंगे, लेकिन इससे एक और भी अच्छा है, मैं कंट्रोल जेड दबा रहा हूँ। ओके, बाय द वे, तो कंट्रोल जेड से बस अंडू हो जाता है। और अगर आपको ट्री निकालना है तो बस शिफ्ट प्रेस कीजिए एंड वो ट्री सिलेक्टेड रखिए जो भी निकालना है, एंड शिफ्ट प्रेस करके पूरा निकाल सकते हैं आप ट्रीज। ओके, सो यहाँ पर फेड में शायद ये कम हो चुका होगा, यप मैं बढ़ा देता हूँ, नाइस। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है गाइस। ओके, एडिट ट्रीज तो है यहाँ पर, एडिट ट्री के बाद में ऐड ट्री, जैसे ही आप करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर एक और है मास प्लेस ट्रीज, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है गाइस। क्यों? क्योंकि मास प्लेस ट्रीज मैं करूँगा और यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रीज जो है 10,000 एंड कीप एग्जिस्टिंग ट्रीज यहाँ पर आता है, तो नंबर ऑफ ट्रीज जो है 10,000, तो रैंडमली ये 10,000 ट्रीज यहाँ पर एक्ट प्लेस हो जाएंगे। अभी मैं प्लेस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए
रैंडमली 10,000 ट्रीज है वो हमारे यहाँ पर आ चुके हैं, और मैं आपको बस घुमा देता हूँ तो पूरे मैप पे आ जाएंगे वो अपने आप, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए गाइस बहुत ही सही दिखता है ये। ओके ग्रेट, ओके तो ट्रीज यहाँ पर हमारे रोड पे भी आ चुके हैं। तो गाइज रोड पे ट्रीज जैसे ही आप करेंगे तो इसके सिलेक्ट कीजिए एंड रोड के ट्रीज जो है वो निकाल सकते हैं आप। ओके तो इसका ब्रश का साइज मैं छोटा कर देता हूँ। ओके तो हमारे रोड के ऊपर के ट्रीज जो है वो चले जाएंगे। ओके ये एक है, तो यहाँ पर आप ऐसे ट्रीज हटा सकते हैं, रोड बना सकते हैं, आपको जैसा पसंद आता है वैसा आप रोड बनाइए आपके मैप में। ओके तो यहाँ पर तो ट्रीज गाइज जा चुके हैं। ओके ग्रेट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सिटी आपको दिख रहा है वो बहुत सही होगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक टेरेन जो है वो ऐड कर देता हूँ, क्योंकि रेज और लोअर टेरेन और यहाँ पर सेट करके गाइज ये जो है हम साइज में थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। ओके तो ये ब्रश का साइज है जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है। ओके ग्रेट, तो यहाँ पर आप देख सकते ऊपर नीचे सब हो चुका है एंड बहुत ही सही वाला जो एनवायरनमेंट है वो आ चुका है यहाँ पर। ये देखिए मिट्टी भी आपको सही से दिख रही होगी। ओके सो ये आ चुका है, ये भी आ चुका है, तो हमें और क्या चाहिए? अभी हमको चाहिए फॉग थोड़ा सा, क्यों? क्योंकि दूर का गाइस थोड़ा सा हमें डिसेबल करना है। ये देखिए दूर का कैसा दिख रहा है, ये एग्जैक्टली जैसा है वैसा दिख रहा है। तो फॉग जैसे ही क्लिक करते ये देखिए गाइस पूरा फील आता है कि हम लोग गेम के अंदर ही है वहाँ पर थोड़ा सा। ओके तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उनके शेडोज भी है, वो भी परफेक्टली यहाँ पर आ रहे हैं। ओके सो दूर का जो है फॉग गाइस बहुत ही ज़्यादा सही है। तो फॉग हम लगाते हैं तो ये देखिए गाइस ट्रीज कैसे दिखते हैं, हमारा रोड भी तैयार है, ट्रीज भी तैयार है। अभी हमको क्या करना है, सबसे मेन बात हमें करना है यहाँ पर ग्रास। ओके तो ग्रास के लिए क्या करना पड़ेगा गाइस, टेरेन पे जाइए फिर से, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप पेंट टेक्सचर, पेंट होल्स, होल भी जो है वो पेंट सॉरी तो होल भी है वो भी पेंट कर सकते हो आपके हिसाब से, जैसे भी आप करना चाहे। तो सेट हाइट, स्मूथन हाइट, स्टैम स्मूथ कर सकते हैं हाइट अगर कहीं पे ज़्यादा हो रहा है तो। ये देखिए यहाँ पर ऐसे क्लिक करके स्मूथ होता है। ओके सो कोई भी ऐसे एग्जैक्टली ट्रायंगल वगैरह रहेगा तो वो हट जाएगा गाइस। ओके सो सबसे पहले हम यहाँ पर पेंट ट्रीज, यहाँ पर पेंट डिटेल्स में आएंगे एंड यहाँ पर एडिट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, ये फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट किया है मैंने यहाँ पर, एंड उसके बाद में ऐड ग्रास टेक्सचर। ओके सो ऐड ग्रास टेक्सचर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आता है कि टेक्सचर का 2D टेक्सचर ये मांगता है। ओके सो 2D टेक्सचर में यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे ग्रास है तो हमको कौन सा चाहिए वो हम सिलेक्ट करेंगे गाइज। ओके तो ग्रास हम सबसे पहले लेंगे, मैं लूँगा ये वाला, देखते हैं ग्रास 2 कैसा आता है। ग्रेट ग्रास 2 आ चुका है, इसका हेल्दी कलर ये वो सब आ चुका है, मैं ऐड करता हूँ। ओके एंड अभी यहाँ पर हम एक ऐसे ही नॉर्मली सेट करेंगे, ओपेसिटी भी कम कर देते हैं थोड़ी। ग्रेट तो ये सर्कल तो भाई बहुत छोटा आ चुका है, इसको हम थोड़ा बड़ा करेंगे। ओके ओके तो ग्रास आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ वहाँ पर वैसे ही वहाँ पर ग्रास आने लगता है। ओके तो ये तो गाइस बहुत ज़्यादा हो गया ग्रास, तो हमें इतना नहीं चाहिए, ओपेसिटी इसकी थोड़ी कम करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा है। ओके ये टारगेट स्ट्रेंथ भी कम करना पड़ेगा। ओके ये आपको ऐसे ही सेट करना है, ये देखिए ग्रास यहां पर आ चुका है। और ये अभी कैसा है, थोड़ा मैच नहीं हो रहा हमारे ग्राउंड के साथ में, तो हमें क्या करना है गाइस इसके लिए मैं आपको बस बता देता हूं। तो टेरेन पे जाइए, ये ग्रास है इसको एडिट डिटेल्स कीजिए एंड एडिट पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, तो हम लोग वाइट, ये येलो है। ओके ग्रेट,
अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए गाइस ग्रास यहाँ पर आ चुका है। ओके तो जैसा आप देख सकते हैं ग्रास भी आ चुका है, हमारा ग्राउंड भी है, ये भी है, सब कुछ है यहाँ पर। मैं आपको बस यहाँ पर एक और एडिट करके दिखाता हूँ ग्रास का जो टेक्सचर है। यहाँ पर हम लोग इस बार रेड वाला लेंगे, ओके, एंड इसका जो है वाइट करेंगे, पूरा ड्राई कलर है वो थोड़ा सा ड्राई करेंगे, ओके एंड ऐड। ओके तो रेड कलर का हम यहाँ पे डालेंगे, देखते हैं कैसा दिखता है। उप्स, मैंने वही कलर सिलेक्ट किया, रेड सिलेक्ट कीजिए एंड ये देखिए। तो एक्चुअल गेम में गाइस ये ऐसा दिखेगा रेड कलर, जो कि बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा है। एंड उसके साथ में हम लोग थोड़ा सा ये वाला ग्रास भी डाल सकते हैं। ओके सो अभी आपको बेटर लग रहा होगा क्योंकि गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रास है, ये है। आप यहाँ पर एक और ऑप्शन है विंड का, ओके तो यहाँ पर आप विंड भी सेट कर सकते हैं कि विंड आनी चाहिए। देखिए स्पीड 0.5, ग्रास टेंट, यहाँ पर स्पीड भी बढ़ा सकते हो, साइज भी इंक्रीज कर सकते हो, ये देखिए कैसे विंड आता है। ओके रन टाइम पे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर बस मेन कैमरा को सेट करता हूँ एंड इसे कंट्रोल शिफ्ट F, तो डायरेक्ट फोकस हो जाएगा हमारे गेम के ऊपर, सीधे गेम के ऊपर आएगा जो कैमरा है हमारा। ये देखिए यहाँ पर आ गया कैमरा, कंट्रोल शिफ्ट F प्रेस किया और एंगल रखा उसका। तो जैसे ही गाइज विंड वगैरह सब कुछ यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं, ये वाला बॉन्डिंग जो है ये भी सेट कर सकते हैं। ये देखिए पूरा ग्रास का मूवमेंट वगैरह सब कुछ होता है इसके अंदर, ओके एंड साइज भी है, ये भी आप सेट कर सकते हैं कितना चाहिए, कैसा होना चाहिए। विंड का स्पीड भी है, वो भी सेट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं प्ले करता हूँ देखते हैं गाइस क्या होता है। यहाँ पर बहुत ही सही वाला एक फील मिलता है आपको, और आप भी आपके गाइस टेक्सचर्स बनाइए, आप भी आपके मॉडल्स या फिर आपके जो टेरेंस है, ये देखिए विंड की वजह से कैसा हो रहा है हमारा ग्राउंड। ओके सो बहुत ही सही लगता है ये वाला ग्रास, अगर आप देखोगे तो बहुत सही दिखेगा गाइस। अगर आप अच्छे से एक एरिया बनाओगे तो विंड की वजह से गाइस बहुत ही सही लगेगा। तो ये ग्रास तो हमारा आ चुका है एंड ये देखिए गाइस बहुत सही लगेगा। एंड आप भी आपके कोई भी टेरेन बनाइए एंड डिस्कॉर्ड में उसका फोटो डालिए गाइस, मैं आपको पर्सनली वहाँ पर रिव्यू कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा कि कैसा है और क्या चेंजेस करने चाहिए इसमें। आप ट्रीज भी डाल सकते हैं एंड बहुत कुछ डाल सकते हैं। देखिए मैं जितने भी आगे जाता हूँ शिफ्ट दबा के, ओके तो ये माउंटेन आ चुका है। तो जैसे ही पबजी के अंदर वगैरह सब टेक्सचर्स वगैरह होते हैं या फिर पबजी के अंदर जो भी मैप्स रहते हैं, तो ये सब ऐसे ही होता है गाइस, एग्जैक्टली ऐसे ही बनता है। ओके ग्रेट, तो अभी आप समझ चुके होंगे कि कैसे बनाना है हमारा ये टेक्सचर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया गाइस तो लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो भी मॉडलिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, मॉडल करना चाहते हैं, उनके साथ शेयर कीजिए। एंड वी विल मीट गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।